प्रायः देखा गया है कि अधिकांश कीटनाशक, फफूंदनाशक व खरपतवार नाशक अच्छी गुणवत्ता होने के बाद भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे गर्म और शुष्क मौसम में कीटनाशकों की सक्रियता कम हो जाती है, कुछ फसलों की पत्तियां चिकनी होती हैं, जिस कारण उन पर कीटनाशक की बूंदें फैल नहीं पाती और फिसल कर गिर जाती हैं। कपास, सोयाबीन, भिंडी व अन्य कुछ फसलों की पत्तियों पर महीन रोएं होते हैं, जिस कारण कीटनाशक की बूंदों का संपर्क पत्ती की सतह से नहीं हो पाता और बूंदें फिसल कर गिर जाती हैं। धान, गेहूं, जीरा, प्याज आदि फसलों की पत्तियां संकरी व खड़ी होती हैं, जिन पर स्प्रे की बूंदें ठहर नहीं पाती और बह जाती हैं। धूल से ढकी पत्ती की सतह पर भी कीटनाशकों के परिणाम संतोषजनक नहीं मिलते हैं। जिन पौधों में पत्तियां नीचे लटकी होती हैं, उन पर कीटनाशक की बूंदें रुक नहीं पाती और नीचे गिर जाती हैं। फसलों पर छिड़काव के बाद यदि बारिश आ जाए तो बारिश से कीटनाशक भी धुल जाते हैं। पाउडर वाले कीटनाशक पानी में ठीक से घुल नहीं पाते व नीचे बैठ जाते हैं। अतः कीटनाशकों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए साथ में कुछ और मिलाना भी आवश्यक है, और वो है विलोवुड का विलिकोम। विलिकोम नई पीढ़ी का सिलिकॉन युक्त सर्फेक्टेंट है, जो सुपर स्प्रेडर, सुपर स्टिकर व सुपर पेनिट्रेटर की भांति कार्य करता है। विलिकोम कीटनाशकों व पौध विकास वर्धकों की कार्य क्षमता बढ़ाने वाला एक सर्फेक्टेंट है। विलिकोम गर्म और शुष्क मौसम में भी कीटनाशकों को सक्रिय बनाए रखता है। विलिकोम स्प्रे की बूंदों का पृष्ठीय तनाव कम कर बूंदों को पत्तियों की सतह पर फैला देता है, चिपका देता है तथा अंदर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। उछलना, छिटकना व बहना हर बूंद की प्रवृत्ति होती है। पानी की वही बूंद विलिकोम के साथ अपनी प्रवृत्ति बदल देती है। वह ठहर जाती है, फैल जाती है, पत्ती पर चिपक जाती है और पत्तों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। विलिकोम के इस गुण को पिन ड्रॉप परीक्षण के द्वारा देखा जा सकता है। पानी की बूंद पर विलिकोम में डूबी पिन को स्पर्श कराते ही पानी की बूंद फैल जाती है। जिस कीटनाशक में विलिकोम मिला होता है उस कीटनाशक की बूंद तुरंत फैल जाती है। यह परीक्षण स्वयं करके देखा जा सकता है। विलिकोम धूल से ढकी पत्ती की सतह पर भी कीटनाशकों का बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है। विलिकोम कीटनाशक की बूंद व पर्णीय सतह के बीच संपर्क कोण को कम कर देता है, जिससे बूंद पर्णीय सतह पर बह नहीं पाती और फैल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे विलिकोम के साथ कीटनाशक की बूंद व पर्णीय सतह के बीच संपर्क कोण कम हो जाता है। विलिकोम पाउडर फॉर्मुलेशन वाले कीटनाशकों की घुलनशीलता को भी बढ़ाता है तथा उनको पानी में घुलने में सहयोग करता है। अपनी हाइड्रोफिलिक प्रवृत्ति के कारण विलिकोम एक ओर पानी को आकर्षित करता है तथा दूसरी ओर लाइपोफिलिक प्रवृत्ति के कारण कीटनाशक को आकर्षित करता है, और इस प्रकार कीटनाशक पानी के साथ आसानी से घुल जाता है। विलिकोम पत्ती की ऊपरी सतह में उपस्थित स्टोमेटा के माध्यम से कीटनाशकों को शीघ्र पौधे के अंदर ले जाता है, जिससे बारिश आने पर भी कीटनाशक पूरा कार्य करते हैं। विलिकोम के इस गुण को एक परीक्षण के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इस परीक्षण में पौधे की एक पत्ती पर लाल रंग के एक रसायन को केवल पानी के साथ डाला गया है तथा दूसरी पत्ती पर उसी रसायन के घोल में विलिकोम मिलाकर डाला गया है। अट्ठाईस सेकंड बाद दोनों पत्तियों को पानी से धो दिया जाता है। रसायन के जिस घोल में विलिकोम मिलाया गया था वह स्टोमेटा के माध्यम से पत्ती की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और पानी से धुल नहीं पाता। ये हैं
खरपतवार नाशक के विलिकोन के साथ परिणाम और ये हैं फफूंद नाशक के विलिकोन के साथ परिणाम। यहाँ आप देख सकते हैं कीटनाशक के विलिकोन के साथ परिणाम। कभी कभी छोटे छोटे कीट कीटनाशक के संपर्क में न आने के कारण बच जाते हैं। वही यदि कीटनाशक के साथ विलिकोन मिला हो तो छोटे छोटे कीट भी कीटनाशक के संपर्क में आ जाते हैं और मर जाते हैं। विलिकोन की 5 मिली मात्रा को 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में किसी भी कृषि सुरक्षा रसायन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें, कृषि सुरक्षा रसायनों का पानी में घोल बनाने के बाद ही विलिकोन को घोल में मिलाएं। देखा गया है कि सिंचाई के पानी के साथ विलिकोन का उपयोग करने से कम पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के पानी के साथ विलिकोन का प्रयोग 100 मिली प्रति एकड़ की दर से किया जा सकता है। विलिकोन वातावरण के लिए व उपयोगकर्ता के लिए एकदम सुरक्षित है। हर बूंद की जान विलिकोन।